हृदय विभाग में पहले जो थी 45 बेड हुआ करते थे हमारे पास, और अब उनको घटाकर विकास जो है उनको घटाकर किया जा रहा है 41 की तरफ। एक नरसंहार में शामिल है, इस 41 बेड पर ताला लगाकर वो कितने लोगों को जिनकी जानें बचाई जा सकती थी उनके साजिशन उन्होंने हत्या करवा दी, मैं ये कह सकता हूँ। नहीं, जीवन जीने के मूल्य भी एक विचारधारा हो गई है कि अगर आप मेरे विचारधारा के हैं तो आपको जीवन जीने का अधिकार है, और अगर आप मेरी विचारधारा के नहीं है तो आपको जीवन जीने का अधिकार ही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। इस वक्त हमारे साथ जो सज्जन बैठे हैं उनका नाम है डॉक्टर ओम शंकर। वह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के मेडिकल कॉलेज में हृदय विभाग में हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। उनका अगर आप कंसर्न समझें और इतिहास समझें तो वह उन डॉक्टरों में शामिल हैं जो पब्लिक हेल्थ के लिए काम करते, जिनका कंसर्न यह है कि स्वास्थ्य एक मौलिक अधिकार है और देश की हर जनता का हक है। वह इससे पहले कई बार संघर्ष कर चुके हैं इसके लिए और कई बार बेहतर परिणाम भी मिले हैं। इन दिनों वह फिर से एक बार अपने ही संस्थान के अधिकारियों के खिलाफ संघर्षरत हैं, और सबसे बड़ी बात कि स्वास्थ्य उनका नहीं खराब है बल्कि वह अपने मरीजों के लिए संघर्षरत है। और उनकी बात सुनना और तब ज्यादा जरूरी हो जाता है जब वह किसी प्राइवेट अस्पताल के मालिकानों में शामिल नहीं है बल्कि वह वो डॉक्टर हैं जो अपनी सैलरी पर काम करते हैं, और वह उत्तर प्रदेश और आसपास बिहार नेपाल से आने वाली जो जनता है उसके स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं। आइए हम उनसे समझते हैं कि उनको आखिरकार अभी की जो व्यवस्था है उससे क्या ऐतराज है कि उन्हें प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक पत्र लिखा है। ओम शंकर जी, आपका जनज्वार में स्वागत है, और बेहतर जानकारी आप ही दे सकते हैं हमें कि आखिर इस बार आपने फिर से संघर्ष का रास्ता मेडिकल कॉलेज में क्यों चुना। हृदय की बीमारी जो है आज ऐसी बीमारी नहीं रह गई है जो पहले कही जाती थी कि ये बीमारी अमीरों की बीमारी, ये बीमारी अब आम व्यक्ति की बीमारी है। भारतवर्ष में मौत की सबसे प्रमुख वजह है ये बीमारी युवाओं की बीमारी बन चुकी है, जो हमारे समाज की रीढ़ है और हमारे देश के आधी जनसंख्या में जो मतलब अगर आप मौत के आंकड़ों को एनालिसिस करेंगे तो अगर 100 मौतें होती है तो 50 मौतें 50 से कम आयु वर्ग के युवाओं में हो रही है। अगर हृदय आघात के आंकड़ों को आप देखेंगे तो अगर 100 आदमी को हृदय आघात होता है तो कम से कम 35 लोग या 33 लोग जो है उसकी आयु 40 साल से भी कम होती है। आप इमेजिन करिए 40 साल की उम्र जब आपको नौकरी मिलती है बहुत, जो कि बिरले है आजकल, किसी किसी नसीब वाले को मिलती है, और जिसको भी मिलती है उसके भी उस अर्निंग पीरियड ऑफ लाइफ में ये एक रुकावट खड़ी हो जाती है। अब बात यह है कि ये पृष्ठभूमि बताना जरूरी था कि क्यों मैं आंदोलन कर रहा हूं। अब मैं ये समझता हूं कि ये समाज जो है हमारा भारतीय समाज जो कैपिटलिस्टिक सोसाइटी है जिसमें कुछ लोग अमीर और ज्यादा लोग गरीब है, और सरकारी अस्पतालों में ज्यादातर हमारे पास जो अपने इलाज को आते हैं और जिनको वास्तविक में जिनके हक और हुकूक और जिनके अधिकारों की लड़ाई जो है लड़ने की जरूरत है वो है कमजोर वर्ग। मजबूत वर्ग तो अपना अधिकार खुद लड़ ही लेता है और जहां भी होता है हासिल कर ही लेता है। तो हमारे पास सरकारी अस्पताल में सिर्फ ये गरीब बेचारे आते हैं अपने इलाज के लिए, और भारतीय संविधान जो है हर व्यक्ति के जीवन और मूल्य की बराबरी को एक समान मानता है, और हमारे जैसे मानवीय लोग भी उनके जीवन के मूल्य को बराबर मानता है कि उसमें कोई भेदभाव नहीं है। एक तरह के वो उनका भी जीवन उतना ही बहुमूल्य है जितना कि किसी ज्यादा पैसे वालों का। लेकिन होता यह है कि बेचारे वो इलाज को बीमार होने के बाद जब अस्पतालों में आते हैं तो उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो निजी अस्पतालों में जाकर अपना इलाज करवा पाए, और उसके पास सिर्फ एक विकल्प होता है कि वो सरकारी अस्पताल को ही ज्यादातर चुनते हैं और मजबूरी में चुनते हैं। और अगर कुछ दिन के लिए गलती से भी प्राइवेट अस्पताल में चले गए तो जो भी पैसे थे सब गंवा कर अल्टीमेटली फिर अपने इलाज के लिए वो सरकारी अस्पतालों में ही आने को मजबूर कर दिए जाते हैं या हो जाते हैं। अब जब हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को अगर आप देखें तो अगर आप इस आस पास में देखे मतलब पूर्वी उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ झारखंड मध्य प्रदेश और ये सब तराई बेल्ट में अगर आप देखेंगे आस पास में तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अस्पताल है जहां पर कि कम से कम
6 से 8 या 10 करोड़ जनता जो अपने स्वास्थ्य के अधिकारों के लिए यहाँ जी पर इलाज के लिए आती है, और अगर यहाँ पर उनको अगर उचित इलाज ना मिले और आने के बाद उनको लौटा दिया जाए, तो ये बड़ा ही दुखद पहलू होगा। इसीलिए हमने काफी पहले से इनके कई बार आंदोलन किए, 3 बार आमरण अनशन किया, 1.5 साल तक सस्पेंड रहा, फिर से ड्यूटी में आया, फिर आंदोलन कर रहा हूँ, आगे क्या होगा पता नहीं है, फिर जो होगा देखा जाएगा। तो ये असली इतने लड़ाई के बाद जो यहाँ पर स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए जो प्रधानमंत्री जी के प्रयास में एक बिल्डिंग बना था जिसको शताब्दी सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक कहते हैं, कि जो सुपर स्पेशलिस्ट केयर जो है उसको बेहतर किया जाए देश में, ये हम लोग की मांग थी जिसको सरकार ने मानी थी और बनवाई थी इसके लिए। लेकिन इंटरेस्टिंग ये हुआ कि हम ही लोग आंदोलन करके इस बिल्डिंग को बनवाए, और उसकी जो हृदय विभाग जो है, जो भी किसी भी अस्पताल की मूल आत्मा होती है, यानी हृदय होता है जिससे कि वो पूरी प्रणाली समझी जानी या पहचानी जाती है, जी और उस अस्पताल के हृदय विभाग में पहले जो थी 45 बेड हुआ करते थे हमारे पास, और अब उनको घटाकर, विकास जो है उनको घटाकर किया जा रहा है 41 की तरफ, और मतलब इसमें पहले जो 45 था और अब 41 है, और यह 41 संख्या भी या तब है जबकि आबादी करीब 6 से 7 करोड़ आबादी, आपने जिन जिलों को गिनाया, जिन राज्यों को गिनाया, उसके अलावा मैंने कहा नेपाल से भी लोग आते हैं, इन बिल्कुल सब के लिए बिल्कुल कुल 45 बेड हैं BHU जैसी जगह में, और वो अब 41 हो गया है। तो क्या जी आपका संघर्ष इस बात को लेकर है कि 41 क्यों किया गया बजाय कि बढ़ाया जाता? नहीं, बिल्कुल यही मेरा ये कहना है, और इसके पीछे आर्गुमेंट है कि जी ये ना सिर्फ ये 41 जुड़े, बल्कि मेरा ये कहना है कि ना सिर्फ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, मेरा ये कहना है कि आज हृदय की बीमारी इतनी गंभीर रूप से हमारे युवाओं में और देश में एक आग, जंगल की आग की तरह तेजी से फैल रहा है, उसको नियंत्रित करने के लिए मैंने सरकार को सुझाव दिए हैं कि कम से कम 50 नए डेडिकेटेड कार्डियक सेंटर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देख देख के एरिया पर कि कहाँ अस्पताल है और कहाँ नहीं है, इस तरह से फोकस्ड 50 सेंटर्स कम से कम, जो कि नॉर्दर्न इंडिया में ज्यादा जरूरत है, साउदर्न इंडिया में तो कुछ डेवलप है वहां पर, सो मिड एंड नॉर्दर्न इंडिया में जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और इधर के बिहार, झारखंड, इस तरह के इधर का जो एरिया है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन एरियाज में 50 डेडिकेटेड कार्डिक सेंटर बनाना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अगर हम लोग को लगता है हम लोग अनभिज्ञ हैं इस बीमारी के बारे में, ये जो महामारी चल रही है, और हम देखिए कि एक इस बीमारी की शुरुआत जो होती है, इसका एक विस्फोटक रूप शुरू होता है जब भारतीय समाज जो है पूंजीवाद की तरफ 90 के दशक में बढ़ता है। पूंजीवाद की जो है आप देखेंगे कि बहुत जो इनहेरेंट कमियां हैं उसमें, ये कमियां ये होती है कि मानव शरीर का जो शारीरिक परिश्रम है उसको डॉक्टर मशीनीकरण कर साहब, दिया एक चीज जाता है। हम चाहेंगे कि पहले वह मुद्दा एक बार बता दें, फिर हम आगे के मसलों पर बात करेंगे, आपसे समझेंगे कि कितना विशाल और विकराल होता जा रहा है हृदय रोग, लगभग महामारी की स्थिति तक भारत में पहुंचता रहता है, पहुंचने को है। तो मुद्दा पहले क्लियर हो जाए कि असल में इस बार का जो आपका आंदोलन है, जो संघर्ष है, जो आपने शिकायत लिखी है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को, वो असल में क्या है, क्लियर हो जाए एक बार। जी वो क्लियर होने के लिए ही ये समझना जरूरी है कि हेल्थ और कार्डियक हेल्थ क्यों इम्पोर्टेंट है, और कार्डियक हेल्थ क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एनुअल मोर्टेलिटी एनालिसिस अगर आप करेंगे कोविड की तुलना, जो बहुत बड़ी महामारी थी, इसलिए मैं एक रेफरेंस की तरह यूज करूंगा कि पूरे कोविड में भारत में अगर आप सरकारी आंकड़े देखेंगे तो 6.5 लाख क्लेम करते हैं कि इतनी ही डेथ हुई। पूरी दुनिया में अगर आप देखें ये आंकड़े तो 65 लाख क्लेम किया जाता है, लेकिन अगर आप हृदय से संबंधित बीमारियां जिसको कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज कहते हैं, भारतवर्ष में एक साल के अंदर सिर्फ एक बीमारी से, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से 65 लाख लोग मरते हैं, यानी कि पूरे कोविड से पूरी दुनिया में जितनी मौतें हुई वो सिर्फ
भारतवर्ष में उतनी मौतें हर वर्ष हो रही है, और इतनी बड़ी महामारी के लिए अगर इतने मतलब 8-10 करोड़ आबादी में सिर्फ आप 45 बेड पहले से ही बहुत कम थे, उसमें एडिशन होना था 41, जिससे कि वो जनसंख्या मतलब जो उसको है तो और 90 हो बढ़के जाना चाहिए था 90 वैसे या ही। उससे 100+, या मेरा तो कहना है 150 होना चाहिए, लेकिन कम से कम इसके एडिशन तो होने ही चाहिए। और मजेदार बात यह है कि दोनों ही एरिया असाइंड जो है वो कार्डियोलॉजी विभाग को है, ये भी जो है एरिया असाइंड कार्डियोलॉजी विभाग को है, और पहले के भी एरिया जो है असाइंड कार्डियोलॉजी विभाग को ही है, और उनको अनाधिकृत तौर पर जो पहले के असाइंड एरिया है उसको छीनना चाहते हैं। और ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि विकास जो है 45 से 41 नहीं होता, 45 से 90 विकास होता है। ये डॉक्टर और साहब ये ये किस अधिकारी का मतलब आपके हिसाब से कारनामा है? क्या सीएमओ इसके लिए जिम्मेदार है, वीसी जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार? हमारे यहाँ जो ये इसके लिए जिम्मेदार हैं, ये हैं प्रोफेसर के गुप्ता जी, ये हमारे जी चिकित्सा अधीक्षक हैं, और मानसिक तौर पर हमें लगता है कि ये थोड़ा असंतुलित व्यक्ति हैं, और मानवीयता हर चिकित्सक की पहचान होती है, लेकिन उनके पास जो है मानवीयता नाम की कोई चीज नहीं है, और ये इतने अमानवीय, जिससे पहले इन्होंने हमारे ही कैथ लैब के ऊपर, इससे पहले हमारे नए कैथ लैब इसी बिल्डिंग में बनी थी उस पर भी इन्होंने ताला लगा रखा लखा था, उसके लिए भी इससे कुछ दिन पहले, 2-4 महीने पहले हमने काफी सारे संघर्ष किए, तब जाकर वो उसकी इलाज मतलब ऑपरेशन के बगैर उससे भी लोग मर रहे थे, फिर बहुत मुश्किल के बाद 2-4 महीने संघर्ष करने के बाद वो खुला। अब क्या है कि ये 41 बेड पर, इस पे भी ताला लगा हुआ है, इस ताला को डिजिटल लॉक कहते हैं। डिजिटल लॉक इसलिए कहते हैं कि एडमिशन सिस्टम कंप्यूटराइज हो गया, जी और आप कोई भी एडमिशन को कंप्यूटर में ब्लॉक करके इनविजिबल कर सकते हैं, तो उनकी विजिबिलिटी ही नहीं रहेगी। तो होता आज ये है कि बहुत ही गंभीर मसला है कि हमारा खुद का ये विभाग का ही, ये भी है विभाग का भी, वो भी है, वो विभाग के ही जी चीजों को लेना चाहते हैं, लेकिन जो कि उसकी आवश्यकता नहीं है, वो जबरन मतलब उसको डिजिटल लेना चाहते इंडिया हैं, का और यह इसका जो फायदा है वो आपके सुपरिटेंडेंट साहब उठा रहे हैं। खैर एक चीज और बताइएगा ओम उठाने शंकर नहीं, जी नहीं कि इससे इसमें फायदा क्या है उनको? उसमें फायदा यह है कि उनको लगेगा कि हम जब मेडिकल सुपरिटेंडेंट थे तो हम अपने विभाग का बहुत विस्तार किया, मतलब जैसे अंग्रेज पहले नहीं करते थे, उसका सूरज कभी डूबता नहीं था, तो उसी तरह की एक मानसिक सोच है। जबकि आप देखेंगे कि धीरे धीरे मेडिकल चिकित्सा प्रणाली में जब विकास हुआ, तो पहले एमबीबीएस हुआ करता था कि मेडिकल केयर, फिर स्पेशलाइज मेडिकल केयर हुआ जिसमें एमडी मेडिसिन के डॉक्टर, एमडी के डॉक्टर पैदा हुए, उसके बाद सुपर स्पेशलाइज केयर उसमें भी डेवलप हुए। तो आज का जमाना सुपर स्पेशलाइज केयर का है, आज एमडी का एमबीबीएस का जमाना नहीं रहा है। तो वो एक एमडी मेडिसिन में आज क्या हुआ, जो मेडिसिन विभाग में अलग अलग सुपर स्पेशलिटी विभाग बन गए, जैसे आप आम आदमी में भी जाएंगे तो उसको अगर पेट की जरूरत दिक्कत होती तो वो मेडिसिन में दिखाने पहले जाते थे, लेकिन अब वो गैस्ट्रो में दिखाने जाते हैं, अगर उसको दिमाग की बीमारी होगी तो मेडिसिन में दिखाने नहीं जाएंगे, पहले जाते थे वहां पर, लेकिन अब उनको पता है न्यूरोलॉजी में ये इलाज होता है, अगर उसको सीने में दर्द होगा तो कार्डियोलॉजी आएंगे, वो फिर से मेडिसिन नहीं जाएंगे। तो कहने का मतलब जब स्पेशलिटी डिपार्टमेंट डेवलप हो गया, जो कि आज की वास्तविकता है, तो ज्यादा से ज्यादा बेड जो है स्पेशलिटी डिपार्टमेंट को मिलने चाहिए। और देखिए यहाँ बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि ये अभी जो बेड डिस्ट्रीब्यूशन जो वो करना चाहते हैं, उसके आधार पर सिर्फ 2 विभाग यानी कि मेडिसिन और सर्जरी के बेड अगर मिला दिए जाए, तो वो पूरे जो नई सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग बनी है उसके बेड के बराबर हो जाएगी, या उससे भी मतलब ज्यादा भी हो सकती है। अभी 2 ही डिपार्टमेंट मिलके 330 बेड कब्जा करना चाहते हैं, जबकि अभी के उनके वास्तविक जो है लगभग 200 के आसपास, 200 के आसपास है, 200 बेड हैं अभी अभी प्रेजेंट कंटेक्स्ट में, और इसको वो बढ़ाकर, दोनों मिलाकर जो है उसको बढ़ाकर प्रेजेंट कंटेक्स्ट को ये करना चाहते हैं 330, जिसकी कि अब ना तो सर्जरी में भी सुपर स्पेशलिटी विभाग हो गया है और मेडिसिन में भी हो गया, और मेडिसिन में आज सर्दी खांसी बुखार के अलावा कौन मतलब दिखाने डॉक्टर जाते साहब हैं। अगर तो ये बात आपकी हम समझें तो आपका आग्रह ये है कि अब सुपर स्पेशलिटी का जमाना है, जो एडजेक्ट रोग है उस तरफ रोगी बढ़ रहे हैं, और आपका कहना है कि कार्डियक जो कि एक महामारी जैसी हालत है, अगर 60 लाख लोग प्रतिवर्ष भारत में मर रहे हैं और मरने वालों की आधी संख्या 50 वर्ष से के आसपास है और एक तिहाई की उम्र 35 से 40 के बीच है, तो जाहिर तौर पर यह एक खौफनाक बात है। उसमें यह दिक्कत है,
तो इसके लिए आपने जो प्रयास किए हैं वो क्या किए हैं कि ये हमें दिए जाएं बेड? जाहिर तौर पर यह मरीजों का ही सवाल है, तो यह मरीजों का सवाल आपके वीसी साहब या जो अन्य जिम्मेदार लोग हैं वो क्यों नहीं सुन रहे हैं? यही तो मैं मतलब आश्चर्यचकित हूँ। जब मैं देखिए, बड़ा ही आपको भी बहुत दुख होगा ये जानकर हुँ। कि जब इतने गंभीर मसले को जब मैं उठा रहा हूँ तो उनको लगता हुँ। है कि ये एक विचारधारा की जंग, और हुँ। मेरे अपने सोचने समझने मतलब की अब जो तक तो तौर तरीका है। राजनीति एक विचारधारा थी, अब इलाज भी एक विचारधारा हो गई है। हाँ, यही बात, इलाज नहीं, जीवन जीने के मूल्य भी एक विचारधारा हो गई है कि जी अगर आप मेरे विचारधारा के हैं तो आपको जीवन जीने का अधिकार है, और अगर आप मेरे विचारधारा के नहीं हैं तो आपको जीवन जीने का अधिकार ही नहीं है। ये लड़ाई बहुत ही मूल भावना, मूल इसमें जड़ में पहुंच गई है। और आप बताइए कि मैं इस आर्गुमेंट में बताया है कि भाई साहब, ये बताइए कि आप डॉक्टर साहब हैं, आप बताइए जो व्यक्ति आता है उस हर व्यक्ति, क्या वो आपकी जाति, आपकी धर्म और आपकी विचारधारा का व्यक्ति नहीं होता है जिनको इस बेड पे ताला लगे हुए के कारण डिफ्यूज होते हैं? और अब इतने गंभीर मसले पर क्या हुआ कि इन लोगों को मैंने पहले लिखा है लगातार कि आपने पिछले, आप समझिए कि जब से ये ब्लॉक किया है पिछले 9 महीने के अंदर 12,000 पेशेंट को हमने रिफ्यूज किया है जिसको हम बेड दे सकते थे। यानी उसमें ज्यादातर लोग गरीब हो गए हैं और कुछ लोग उसमें से अपनी, जिनकी जान बचाई जा सकती है उनकी मौतें हो गई। और ऐसा ही एक कंप्लेंट आया जो हम कह रहे थे, ये सब हमारे लेटर में लिखा है, पहले इसकी मैंने आगाह किया था, और हमने जब चिकित्सा अधीक्षक महोदय को लिखा ये पत्र तब भी बताया था गुप्ता साहब को, और अपने वीसी साहब को जब मैंने पत्र लिखा है, और प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, सबको जब हमने ये बातें लिखी है, उस समय पहले हमने कहा है कि इनसे इलाज नहीं मिलने से ऐसे लोगों का बिना चिकित्सा अधिकार जो उनको मिल नहीं रहा है और वो बिना इलाज के मर रहे हैं। और वो साबित तब हो गया जब आज से कुछ दिन पहले एक बच्चे ने अपने दादी की मौत पर आहत होकर एक कंप्लेन लेटर लिखा सीएमओ वाराणसी को, और उन्होंने फिर इसको जांच के लिए भेजा चिकित्सा अधीक्षक महोदय को। तो मेरे मेरे जो कथन थे वो सत्य दिख रहे हैं। और अगर ये चिकित्सा अधीक्षक, इसलिए मैं कहता हूं, मैं तो सीधे तौर पे कह रहा हूं कि चिकित्सा अधीक्षक महोदय मानवीय तो नहीं ही है, दानवीय तो है ही, एक नरसंहार में शामिल है। इस 41 बेड पर ताला लगाकर वो कितने लोगों को, जिनकी जानें बचाई जा सकती थी, उनके साजिशन उन्होंने हत्या करवा दी, मैं ये कह सकता हूं। क्योंकि अगर थोड़ी सी भी उनकी समझ होगी, वो मानवीय होंगे डॉक्टर होने के नाते भी, तो उनको पता है कि अगर इलाज नहीं देंगे, और जिन ये हृदय इतना गंभीर मसला है जहां मौत और जिंदगी का फासला जो है मिनटों में होता है, घंटों में होता है, वहां पेट की समस्या, किडनी की समस्या और दूसरी समस्या नहीं है जहां आपको संभलने का वक्त मिलता है। और इस तरह से साजिशन, अगर आप मास मैसेकर में कहता हूं तो उसमें वो साजिश के तहत शामिल है, क्योंकि उसको हर चीजें मैंने पहले बता रखी है और उनको प्रोटेक्शन मिल रहा है। जबकि ये चिकित्सा अधीक्षक महोदय का इतिहास देखेंगे तो इससे पहले ब्लड बैंक में इसके ऊपर सत्यापित भ्रष्ट हैं, भ्रष्टाचार के जी सत्यापित सबूत हैं, और उसके ये बाद भी बीएचयू में कुलपति ही महोदय, जी हाँ, बीएचयू में है, और वो रिपोर्ट भी मैंने शामिल की है, उनको भेजा है, जब प्रधानमंत्री जी को भेजा है, कुलपति महोदय को भेजा है, जिसमें कि ब्लड बैंक इंचार्ज के तौर पर जो इन्होंने भ्रष्टाचार किए थे, इसी तरह का अनाधिकृत कैप्चर किया हुआ था जहां से इनको जांच के बाद निकाल दिए गए थे, और उस समय ये मेडिकल सुपरिटेंडेंट थे, तब उसके बाद हटा दिए गए थे। अब समझिए कि फिर से अगर चिकित्सा अधीक्षक बने हैं तो कुछ न कुछ तो यहाँ पे भ्रष्टाचार तो होगा ही। जो व्यक्ति खुद भ्रष्टाचार के आरोपी हैं, सत्यापित भ्रष्टाचारी हैं, वो व्यक्ति अगर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, वहां पर वहां के कुलपति अगर उनको बनाए हुए हैं, तो एक भ्रष्ट आदमी क्या करेगा? भ्रष्टाचार ही तो करेगा, और वही वो कर रहे हैं। शुक्रिया कितना डॉक्टर कितना साहब दुखद आपका बात है, आप बातचीत बताइए के पहले तो। लिए, और बहुत विस्तार से डॉक्टर साहब ने बताया और कई महत्वपूर्ण बातें कही। सबसे बड़ी बात कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का मेडिकल कॉलेज, जहां 7 करोड़ के लगभग मरीज आते हैं या आबादी है जिसकी कि मरीज आते हैं, प्रधानमंत्री की लोकसभा है, सबको पत्र लिखा है डॉक्टर ओम शंकर ने,
राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वीसी, सब संबंधित लोगों को, और एक ऐसा आदमी जो कि अधीक्षक है और वह पहले से भी आरोपी है भ्रष्टाचार नहीं, का, तो सत्यापित, जी सॉरी सत्यापित सत्यापित, माफ करिएगा, सत्यापित है। ऐसे में प्रधानमंत्री को सीधे अपनी लोकसभा देखनी चाहिए, क्योंकि वह प्रधानमंत्री के साथ साथ सांसद भी है। लेकिन एक बड़ी बात, जब एक डॉक्टर कह रहा है कि विचारधारा की भी लड़ाई है, इसकी विचारधारा के साथ आप हैं या नहीं हैं, उस आधार पर अब इलाज भी होने लगा है, तो जाहिर तौर अधिकार भी पर मिलेगा, अधिकार भी मिलेगा और बात भी सुनी जाएगी। ये जी आज बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए है कि आज देश संविधान से नहीं विचारधारा से चल रही है, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी लोग वैसे ही बैठ गए। मेरा तो ये कहना है कि आपके विचारधारा में ही अगर कोई अच्छा व्यक्ति है तो उसको बना दीजिए ना मेडिकल सुपरिटेंडेंट। इस भ्रष्ट आदमी को क्यों बनाए हुए है जो मास मिसेकर कर रहा है। और कोई भी व्यक्ति जो इलाज के लिए आता है, मरीज की कोई जाति कोई धर्म नहीं होता है, और डॉक्टर किसी जाति और धर्म देखकर किसी का इलाज नहीं करता। इतना नीचे नहीं गिरा जाना चाहिए। जनज्वार, जनता की मीडिया।